हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉकरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 3 ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो इसकी प्रिपरेशन और ये वीडियो आपको इसी में हेल्प करेगी। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कहाँ से स्टार्ट करना है, फ्रॉम वेयर टू बिगिन। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, चाहे अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं, 1 ईयर है, 2 मंथ्स है, 1 मंथ है, 15 डेज है। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी दैट फ्रॉम वेयर टू बिगिन द प्रिपरेशन फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ 3 ईयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट, इफ यू वांट टू बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू वॉन्ट टू बाई मॉक टेस्ट फ्रॉम अस, loggery.in पर ये मॉक टेस्ट जो होते हैं एग्जाम से कुछ महीने पहले अवेलेबल होते हैं, यू कैन गो फॉर दैट। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @iamloggery, एंड वहाँ पर आप मेरे से क्वेरीज भी पूछ सकते हो। अगर आप मेरे से क्वेरीज पूछना चाहते हो तो Q&A सेशन होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 11 AM पे होता है, अराउंड 11 AM होता है, संडे को होता है। अगर टाइमिंग्स में चेंज होते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। बिफोर दैट, प्लीज डू लाइक द सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से देखते हैं। The duration of the entrance test will be 1 hour 30 minutes. The entrance will be of 100, entrance exam will be of 100 marks consisting of multiple choice questions. The objective type questions will be available in Hindi and Punjabi also. Now the English mein bhi ek paper hota hai. Yahan par jo hume cheeze pata chal rahi hai, hume 1 hour 30 minutes diye jayenge paper ko solve karne ke liye. 100 marks ka hamara ye paper hai aur isme 100 questions aate hain, right? And jo language of exam hai wo English, Hindi aur Punjabi hai. Okay. अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो है वो 30 मार्क्स के हैं, लीगल एप्टीट्यूड आपका 40 मार्क्स का है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज ऑफ 30 मार्क्स, ठीक है? तो यहाँ पे देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4, दैट इज 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कहाँ से स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस और बुक्स भी डिस्कस करूँगी। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैंने स्पेसिफिक वीडियोस करी हुई है अबाउट सिलेबस एंड बुक्स एंड एवरीथिंग, यू कैन वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो। मैं लिंक दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का, जहाँ पर आपको इस एग्जाम की और डिटेल्स मिल जाएंगी। देखिए, सबसे पहले फॉलोइंग द न्यूज़पेपर। एक टाइम था पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, चाहे वो 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूज़ पढ़कर जानी होती थी। एक मंथली मैगजीन, एक ईयरली मैगजीन आती थी, ठीक है, वो आप पढ़कर जाते थे। कोई भी ईयरली मैगजीन पढ़ते थे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते थे एंड आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में। वेल, द सिनेरियो हैज़ चेंज नाउ। लास्ट 2 ईयर्स से उन्होंने क्या चेंज कर दिया सब कुछ। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तभी आप इनकी करंट अफेयर्स अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं। बहुत बच्चों को लेवल बहुत डिफिकल्ट लगता है करंट अफेयर्स का, वो इसलिए बिकॉज न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स आने लग गई है। पहले वाला काम नहीं है कि थोड़े से क्वेश्चंस पढ़े, थोड़ी सी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, मैं भी करती थी वो वीडियोस एंड इट दे वर रियली हेल्पफुल, बट अब यू हैव टू फॉलो द न्यूज़पेपर, ठीक है? ट्राई करिए कि आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो जून, मान लीजिए 2024 में आपका एग्जाम है, तो जून 2023 से लेकर के आपको जब तक एग्जाम नहीं होता, मोस्टली जून में ही होता है एग्जाम, आपको पूरे 1 ईयर की न्यूज़ जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप न्यूज़पेपर खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो एजुगिरी पर आ जाइए। एजुगिरी पर लेक्चर होता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू का एनालिसिस करवाती हूँ, ठीक है? वहाँ पर आप द हिंदू फॉलो कर सकते हैं। ये एनालिसिस 6 PM के अराउंड होता है, तो वहाँ पर आप कर लिए। बट येस, यू हैव टू फॉलो द न्यूज़पेपर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छे खासे अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, जो आपको यूनिवर्सल्स नाम की बुक में से कवर करने रहते हैं। यूनिवर्सल्स में से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं एंड प्लस MCQs पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये कोर्स ले लेंगे तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी आप तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद आपको कवर करने होते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये वाले टॉपिक्स जो होते हैं। ये आप अगर आपके पास अगर 3 मंथ्स से लेस देन 3 मंथ्स हैं, ठीक है, तो आप यूनिवर्सल्स में से ही ये करेंगे, ठीक है? बट अगर आपके पास 3 मंथ्स प्लस हैं, इफ़ यू हैव 3 मंथ्स प्लस फॉर योर प्रिपरेशन, देन आप LA and LR बाय विली की बुक आती है, उसमें आप थ्योरी पढ़ें और वहाँ से आप क्वेश्चंस सॉल्व करें।
ठीक है, बट यहाँ पर एक बात और है कि यूनिवर्सल्स में से आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज लीगल रीजनिंग, तो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको सिचुएशन दी होती है, ठीक है, आपको लॉ दिया होता है, आपको एनालाइज करके आंसर देना होता है, तो वो वाले क्वेश्चंस आप यूनिवर्सल्स में से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यूनिवर्सल्स में से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लीगल अवेयरनेस MCQs। यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। बाकी के प्रैक्टिस जो होती है, और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, जो मॉक टेस्ट हमारे हैं वो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पजल रीजनिंग टॉपिक्स 1। तो मैंने आपको सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है, इस वीडियो में भी मैं करूँगी, बट टॉपिक्स 1 मतलब दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। टॉपिक्स 1 जितने मैंने लिस्ट किए हुए हैं वो तो करनी है, साथ में एनालॉजी, ब्लड रिलेशन और पजल टेस्ट भी करने हैं। ये कौन सी बुक में से करने हैं आपको? ये लॉजिकल रीजनिंग, RS अग्रवाल की बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वो वाली बुक में से आपको ये टॉपिक सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका आता है मैथ्स, उसके बाद देखिए मैथ्स जो है 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से करेंगे आप, ठीक है। मैथ्स की हमारी क्लासेस भी होती हैं, वो आप loggery.in पर चेक कर सकते हैं। स्टैटिक GK MCQs जो हैं वो आप यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल्स में से सेम टू सेम MCQs एक्सपेक्टेड रहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं हम और आते भी हैं अभी तक। तो स्टैटिक GK पहले यूनिवर्सल्स में से सारे टॉपिक्स करेंगे, फिर अगर आप ल्यूसेंस अरिहंत की बुक आती है उसमें से करना चाहते हैं कर लें, बट पहले सारे की सारी स्टैटिक GK अपनी यूनिवर्सल्स में से रट्टा मार लें। इंग्लिश की ग्रामर करेंगे और फिर स्पॉटिंग एरर्स, इसके लिए आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के फिर टॉपिक्स 2 करेंगे, जो मैंने लिस्ट नीचे दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट योर प्रिपरेशन, चाहे आपके पास 15 डेज हैं, चाहे आपके पास 1 मंथ है, चाहे 1.5 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 प्लस, वट एवर, जितने मर्जी टाइम आपके पास हो, आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करोगे इस स्टेज इन स्टेजेस में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो, ठीक है। हमें लगता है टाइम कम है, ज़्यादा है, क्या करें, ऐसे यूज़ करेंगे टाइम को हम। देखिए स्टेज वन ऑफ योर प्रिपरेशन, वॉट इज द स्टेज वन ऑफ योर प्रिपरेशन? रीडिंग थ्योरी, आप चीज़ों को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स। अगर आप किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहते हो तो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी चीज़ों को रट्टा मार लेंगे ना। उसके बाद नोट्स बनाना, देखिए नोट्स में आपको रजिस्टर में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक के अंदर ही नोट्स बनाइए, बट नोट्स बनाइए। वॉट डू आई मीन बाय मेकिंग नोट्स? आप अंडरलाइन करिए जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, आप पॉइंटर्स बनाइए, अगर कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है आप पोस्टिट लगाकर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बना सकते हैं। ये सब क्यों? ये क्विक रिवीजन के लिए, एग्जाम से पहले और बार बार रिवीजन के लिए। ये मत सोचिए कि एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया आपका हो गया, नहीं, आपको उस टॉपिक पर बार बार आना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम अगर आप एक अच्छे से नोट्स अपने बुक में ही बना लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और एग्जाम से पहले बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके बाद अटेम्प्टिंग MCQs, प्रैक्टिसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है हमने थ्योरी हमारा प्रिपरेशन हो गया, नहीं, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें क्या पता हमने चीजें सही याद करी हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ MCQs में ही कवर होते हैं, वो टॉपिक्स आपके थ्योरी में नहीं दिए होते, तो MCQs करने बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चंस आने के तो बहुत चांसेस रहते हैं, तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। एंड ट्राई करें कि बार बार रिवाइज कर सकें, चाहे वीकेंड पे, चाहे आप हर 6 डेज बाद कहें कि जितना भी मैं 6 डेज में पढ़ा आज मैं रिवाइज करूंगी। ये आपको करना है, पूरे सिलेबस के लिए आप ये करेंगे। एंड देन वी अराइव एट स्टेज 2 ऑफ आर प्रिपरेशन, जिसके अंदर रिवाइजिंग द इंटायर सिलेबस, वी आर गोइंग टू रिवाइज द इंटायर सिलेबस मल्टीपल टाइम्स। आप 2 to 3 times रखिए कि मुझे सिलेबस को रिवाइज करना है। एंड देन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट मॉक्स एज वेल, बिकॉज मॉक्स अटेम्प्ट करने से, loggery.in पर मॉक्स अवेलेबल होते हैं, मॉक्स अटेम्प्ट करने से हमें पता चलता है कि वेयर डू वी स्टैंड। जब हम मॉक्स को एनालाइज करते हैं, हाउ टू एनालाइज का आपको तभी, जब जैसे एग्जाम पास में होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू एवरीथिंग। आपको पता चलता है कौन से टॉपिक्स आपको दोबारा से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है, सो दैट आप मार्क्स लूज आउट नहीं करें। सो ऑल ऑफ दिस यू गेट टू नो, दीज आर योर स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपके पास कम डेज है तो फॉर श्योर मेरी वीडियोस होंगी जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा दिए होंगे कि यार कुछ और नहीं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ जाओ और फिर उन्हीं की रिवीजन करो, उन्हीं के मॉक टेस्ट लगाओ एंड अपनी प्रिपरेशन कर जाओ, राइट। जैसे तैसे टाइम कम होता जाता है, हम फिर टॉपिक्स कम करते रहते हैं, बट येस, जो भी करके जाते हैं फिर बहुत बहुत अच्छे से करके जाते हैं और फिर भी एग्जाम क्लियर करते हैं। देखिए अगर पक्की वाली प्रिपरेशन करनी है तो टाइम पर स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपके लिए ईजी रहेगा और सही प्रिपरेशन भी होगी, ईजी रहता है टाइम पे स्टार्ट कर लोगे तो। बेसिकली लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है आपका,
ठीक है ना, तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर यहाँ पर जो है मैं चेक कर रही थी, सही लिखा है ना मैंने, टॉपिक वन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये यूनिवर्सल्स में होगी, इसका डिस्कस कर लिया। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है, loggery.com पे जाओगे, दैट इज़ माई अनदर वेबसाइट, वहाँ पर मैंने फ्री PDFs प्रोवाइड करे हुए हैं, वो डाउनलोड करके वो याद कर लो। 2 वीडियोस करे हुए हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, वो देख लो, एंड प्लस 1 वीडियो करी हुई है जिसमें बताया हुआ कि कैसे लर्न करना है, ये सारी वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको मिल जाएंगी। लॉगरी लीगल टर्म्स, लॉगरी लीगल टर्म्स लिखोगे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट केसेस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो करी हुई है, लैंडमार्क जजमेंट्स करके वीडियो होगी, वो देख लेना। अमेंडमेंट्स पे वीडियो होगी, कमिटीज पे 2 वीडियोस करी हुई है, ये सारी देख लेना फॉर PU, ठीक है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, फैमिली लॉ, ये भी आपका वहीं से हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल्स में से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, ये सारी लिस्ट मैंने दी हुई है। यहाँ पर ना एक लीगल अवेयरनेस MCQs वाला पार्ट है, वो नीचे मिस हो गया, ठीक है, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीगल अवेयरनेस MCQs, चाहे वो PYQs हैं चाहे वो एक्चुअल टॉपिक है, ये दोनों ही सॉल्व करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिस्ट दी हुई हैं, ठीक है। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जहाँ से मैंने बताया वो ही पढ़िए, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टैट्यूज अगर टाइम है तो पढ़िए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और ये अगर टाइम है तो सॉल्व कर लीजिए, ये भी अगर टाइम है तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नहीं नहीं, लीगल मिसलिनियस टॉपिक्स तो आप पढ़ोगे ना, ये वाले टॉपिक्स, क्योंकि इसके अंदर ये कि आपका टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ कवर होता है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिवर्सल से। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल्स में से करना है, और अगर फिर टाइम मिले तब आप ल्यूसेंस अरिहंत की बुक बाय कर सकते हो, ल्यूसेंस और अरिहंत दोनों नहीं बाय करनी है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसमें से मिला करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 10 MCQs इन्हीं टॉपिक्स में से आ जाएंगे, विच इज़ ग्रेट। तो पहले इनको करिए, एंड फिर आते हैं टॉपिक्स 2, जैसे बुक्स, बुक्स के लिए आपको आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक होगा बुक में, ये पढ़ना होगा, इससे आपके ये वाले टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट फर्स्ट के जो टेबल होता है वो रट्टा मारना स्टार्ट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज, इसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं ये आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, तो मेरी क्लासेस भी आ जाएंगी, तब तक थोड़े ही महीनों में आपको क्लासेस दिखेंगी मेरी loggery.in पर, वहाँ से भी आप फिर कवर कर सकते हैं स्टैटिक जीके, बट जो टॉपिक्स आपके बुक में हैं वो ज़रूर कवर कर लीजिएगा। उसके बाद है करंट अफेयर्स, मैंने आपको बता ही दिया है, न्यूज़पेपर फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू कैन नॉट फॉलो द न्यूज़पेपर, आपके पास टाइम नहीं है, तो loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो आप खरीद सकते हैं और वो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि आप एजुगिरी पर न्यूज़पेपर फॉलो करने लग जाए, 6 PM पे होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, आप ये नहीं कर सकते तो आप मेरी loggery.in के लेक्चर वीडियोस देखिए, ये पेड हैं, ठीक है, बट इसमें आपको न्यूज़पेपर का फील आता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होते हैं, प्लस MCQs भी मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं loggery.in पर, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेरे से नहीं खरीदना है, आपको थर्ड ऑप्शन चाहिए, वो है प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है ना, बट ये भी पेड है प्रतियोगिता दर्पण। इसके अंदर प्रतियोगिता दर्पण में प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ भी आपको एक्सप्लेन अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन जो है आपको कोई समझाने वाला नहीं है, खुद से आपको समझना पड़ता है, बट अगर आप समझ सकते हो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। देखिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं खुद से नहीं पढ़ना है तो आप एजुकेरी फॉलो करिए, बट एजुकेरी नहीं फॉलो हो रहा है तो आप न्यूज़पेपर बेस्ड लेक्चर्स फॉलो करिए, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो प्रतियोगिता दर्पण। मैंने आपको बहुत सारी चॉइसेस दे दी हैं। उसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैंने ग्रीन में मार्क करे है ना, दीज ग्रीन वाले, ये आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में से सॉल्व करने हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप 2 टॉपिक्स करना चाहते हो, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो MK पांडे की बुक आती है, वहाँ से बहुत बढ़िया हो जाते हैं, इसमें से करिए। देखिए एक जो डिटेल्ड वीडियो और है, प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल, यहाँ पे मैं बस ऊपर समझा रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स हैं। 18 डेज वंडर बाय एस्टन नाम की बुक आती है, 18 डेज वंडर बाय एस्टन नाम की बुक आती है, उसमें से आप फॉलो कर सकते हैं, इसकी क्लासेस भी हैं, loggery.in पर आ जाएंगी। इंग्लिश जो है SP बख्शी में से कवर करनी है, टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आप हर रोज 10 to 15 याद करने लग जाओ, ठीक है। और बाकी सारा तो ग्रामर है, ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशंस करने के बाद स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये आपको, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू।
अब अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें कि कैसे हम अपनी प्रेपरेशन मैनेज करें, कितना टाइम दें हम, कैसे करें, देखिए मैंने आपको सीक्वेंस तो समझा दी है जिसमें आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, वो तो दिक्कत नहीं है, वो टेबल जो ऊपर दिया था मैंने। टाइम मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चों का होता है विद सेमेस्टर्स, ठीक है, आपका यू नो आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो और विद सेमेस्टर्स या फिर विद जॉब आप प्रेपरेशन कर रहे हो, विद जॉब वालों का मैं नेक्स्ट बनाऊंगी कैटेगरी, ठीक है। अगर आप विद सेमेस्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलने वाली हूँ कि आप वीकली टारगेट सेट कर लीजिए, कि वीकली टारगेट सेट करने से पहले आप अपने आप को मंथली वो दीजिए कि किस मंथ तक आप सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है ना, किस मंथ तक, किस दिन तक आप कौन सा सब्जेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, कौन सा सेक्शन, और फिर अपने आपको वीकली टारगेट्स दीजिए एंड फिर देखिए उस वीक में कब कब आपके पास टाइम है ताकि आप उसको अचीव कर पाएँ। जिस दिन आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उसे ज़्यादा दे, जिस दिन नहीं दे सकते उसे नहीं दे, ऐसा सा फ्लेक्सीबिलिटी आपको रखना पड़ेगा विद सेमेस्टर एग्जाम एंड ऑल्सो क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स भी कहीं ना कहीं जब ये एग्जाम होता है, ये जून के अंदर एग्जाम होता है तभी आपके फाइनल एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, सो यू हैव टू डू अ गुड प्रिपरेशन बिफोर दैट ओनली आई वुड से, ठीक है। अगर आपको मेरे से शेड्यूल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फ्रेश शेड्यूल ले आऊंगी। विद जॉब अगर आप प्रिपेयर करें, अगेन आपके पास जब भी सैटरडे संडे को आप पढ़ सकते हैं तो सैटरडे संडे को पढ़िए और अपना जो न्यूज़पेपर है अगर वो कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो लेक्चर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, राइट। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अ कैटेगरी जिसके अंदर यू हैव एम्पल टाइम, आपके पास टाइम ही टाइम है, यू हैव एम्पल टाइम, ठीक है। अगर आपके पास एम्पल टाइम है तो फिर यार आप हर रोज 2 आवर्स का न्यूज़पेपर अपना अच्छे से करिए, 2 आवर्स का न्यूज़पेपर तो नहीं, 1.5 आवर्स का होता है, उसके बाद मैं कहती हूँ कि रिविजन कर लो साथ साथ में तो बहुत ईजी हो जाएगा अगर वो कर लोगे। अपना न्यूज़पेपर डेली फॉलो करिए और ट्राई करिए कि आप यू नो न्यूज़पेपर फॉलो करो, ठीक है। 2 आवर्स आप अपना करंट अफेयर्स को दो अच्छे से, 2 आवर्स जो बाकी का है वो कोई सब्जेक्ट पढ़ो, और टाइम दे सकते हो 2 आवर्स का एक और स्लॉट बना के अच्छे खासे 6 आवर्स 4 आवर्स दीजिए अगर आप दे सकते हैं। इवन विद सेमेस्टर एग्जाम्स अगर आप डेली पढ़ सकते हैं तो उसके जैसी कोई बात ही नहीं है, बट अगर डेली नहीं पढ़ सकते वीकली टारगेट रख के चाहे वीकेंड पे पढ़िए ऑल्टरनेट पे पढ़िए बट जरूर पढ़िए, राइट। आपको अगर कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू वॉन्ट टू आस्क एनी डाउट, देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई डू रीड योर कॉमेंट्स। यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन विद मी विच इज पेड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हैं आप vloggery.in चेकआउट कर सकते हैं, अगेन लिंक्स आर गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, राइट, यू हैव अ वीडियो सजेशन कि भाई इस चीज पे वीडियो बना दो, तो कमेंट जरूर करना एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @iamvloggery। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। दैट्स इट, vloggery साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर, जरूर बताना है वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं इन द कमेंट सेक्शन, आई डू रीड योर कमेंट्स, बाय बाय।